हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ड्रेस बनाना काफ़ी इजी है। इसमें हमने बहुत कम मटेरियल का यूज़ किया है। सिर्फ हमने एक ये फैब्रिक लिया है और ये हमने टिश्यू रिबन लिया है। इसकी हेल्प से ही हमने पूरी ड्रेस को रेडी किया है। देखिए, हमारी ड्रेस के अंदर हमने किसी बुकरम का भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमारी ड्रेस की फ्रिल देखिए कितनी प्यारी आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कान्हाजी विद ख्वाहिश 12, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए देखिए, हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 7.5 इंच रखी है। लंबाई हमने इसकी 40 इंच रखी है। ये ड्रेस आप 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ईज़िली पहना सकते हैं। देखिए, अब हमें इसे ऐसे उल्टा पलट लेना है ऐसे, और देखिए इसके हमें यहाँ पे एक यहाँ सिलाई दे देनी है और इधर से भी हमें ऐसे ही पलट लेना है कि ऐसे, और यहाँ भी ऐसे सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने यहाँ पे दोनों को सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमने इसे पलट के ले लिया है। देखिए, जो हमारी बंद साइड है वहाँ पे हम लेस लगाएंगे, इसे जो ओपन साइड है उसे हम आगे रख लेंगे। देखिए, ये हमने टिश्यू रिबन वाली लेस ली है, इसे हमें यहाँ ऐसे रखना है और पूरे में लगा लेना है। हमने लेस में देखे पूरे में लगा के ले लिया है। अब हमें ये जो हमारी ये दोनों साइड्स हैं इनको भी लेस की हेल्प से लॉक कर लेंगे। देखिए, टिश्यू रिबन लिया है, इसे यहाँ पे ऐसे रखते हुए ऐसे लॉक कर लेंगे। जो ये साइड है यहाँ से हमें हल्का सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है, देखिए इतनी एक्स्ट्रा, और इसे हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड देते हुए 2 सिलाई दे देनी है कि ऐसे। तो चलिए पूरी पट्टी को फोल्ड दे देते हैं। हमने इसके दोनों साइड्स पे लेस की हेल्प से लॉक करके ले लिया है। अब हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए, हमें ऐसे उठाते जाना है कपड़े को हल्के हल्के से, और ऐसे प्लेट्स डालते जाना है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमें प्लेट्स सिर्फ 5 इंच में डालनी है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने प्लेट्स डाल के ले लिया है। अब हम चोली रेडी करेंगे। बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 10 इंच रखी है। अब हमें इसे देखिए ऐसे फोल्ड देना है और पूरे में 1 सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने इसमें सिलाई लगा के ले लिया है। अब हम टिश्यू रिबन लेंगे। टिश्यू रिबन को यहाँ पे रखते हुए पूरे को ऐसे लॉक कर लेते हैं। हमने इसे टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड देना है। इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हमें इसे ऐसे करना है। एक पीस को हमें यहाँ नीचे रखना है, जो ये वाला पीस है इसे देखिए हल्का सा यहाँ पे ऐसे ऊपर रखना है, और इतनी हमें 2 इंच तक सिलाई दे देनी है। पहले सिलाई ऐसे देंगे और फिर ऐसे, ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड देना है, इसे हमें यहाँ ऐसे फोल्ड देना है, और देखिए इतने में 1 इंच में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं।
देखिए हमने दोनों साइड में सिलाई लगा के ले लिया है। अब हम सीधा करेंगे। हमने सीधा करके ले लिया है चोली को। अब हम स्कर्ट लेंगे। स्कर्ट को हमें ऐसे सीधा लेना है, टॉप को हमें ऐसे उल्टा लेना है। यहाँ पे ऐसे रखते हुए हमें दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेना है। हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।